क्या आपको पता है कुछ प्लैनेट में रिंग्स होता है और कुछ प्लैनेट में रिंग्स नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा सोलर सिस्टम के इमेज में कुछ प्लैनेट में जो होता है चारों तरफ से कोई भी रिंग्स नहीं होता है, लेकिन कुछ प्लैनेट में रिंग्स होता है, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के चारों तरफ रिंग्स होता है। बल्कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे प्लैनेट के चारों तरफ कोई भी रिंग्स नहीं होता है। आखिर ये कैसे, चले जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हालांकि ये क्लियर करना अभी बहुत मुश्किल है कि जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के पास रिंग्स का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि अभी इस पर उतना ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुआ है। फिर भी प्लैनेट के रिंग्स को लेकर दो थ्योरीज सामने आती है। पहले थ्योरीज ये कहती है, जो भी गैस जायंट प्लैनेट है, गैस जायंट प्लैनेट यानी कि ऐसे प्लैनेट जिसका निर्माण ज़्यादातर केसेस में गैस से हुआ है और उसमें रॉक की मात्रा बहुत कम है, जैसे कि जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस और शनि जैसे ग्रह हो गया। लेकिन ऐसे प्लैनेट जिसका निर्माण रॉक से हुआ है वो हमारे इनर सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं। इसमें हमारा जो प्लैनेट है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है। तो पहली थ्योरीज ये कहती है कि जो भी गैस जायंट प्लैनेट है, जैसे कि जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के पास खुद का चांद बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा चांद है तो वो चांद अपने प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा होगा। जब ये चांद अपने प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा तो कोई चांद एक दूसरे से ग्रेविटी की वजह से टकरा गया होगा और टकराने के पश्चात इसमें से पार्टिकल डेवलप हुआ होगा और वो पार्टिकल इस प्लैनेट के चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि रिंग्स में जो होता है वो पार्टिकल होता है और गैस होता है, तो यही पार्टिकल जो है रिंग्स का फॉर्मेशन किया। दूसरा थ्योरीज ये कहता है कि हो सकता है कि इससे बहुत साल पहले कोई ड्वार्फ प्लैनेट टकराया होगा इससे, क्योंकि ये हमारा जो प्लैनेट है वो एक्सोप्लैनेट हुआ। एक्सोप्लैनेट कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य से काफ़ी दूर है, क्योंकि आपने देखा होगा जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और शनि जो है सूर्य से काफ़ी दूरी पर है, तो ये हमारा एक्सोप्लैनेट हो जाता है, मतलब सोलर सिस्टम से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर ड्वार्फ प्लैनेट टकरा सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि बहुत साल पहले कोई ड्वार्फ प्लैनेट इस प्लैनेट से टकराया होगा और टकराने के बाद जो भी पार्टिकल यहाँ से जनरेट हुआ वो पार्टिकल्स इस प्लैनेट के चारों तरफ ग्रेविटी की वजह से घूमने लगा। अब जब ये पार्टिकल्स इसके चारों तरफ घूमने लगा तो यहीं से रिंग्स का फॉर्मेशन हुआ। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा हुआ होगा, पर ड्वार्फ प्लैनेट वाली जो बात है ये हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन एक और सवाल मन में आता है कि आखिर पृथ्वी, बुध, शुक्र और मार्स के पास खुद का रिंग्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही आता है। तो सोलर सिस्टम के अंदर आता है तो फिर यहाँ पे रिंग्स क्यों नहीं बना। इसका मेन कारण यह है कि जो ये चार ग्रह है, पृथ्वी, बुध, शुक्र और मार्स, ये हमारे सोलर सिस्टम के काफ़ी अंदर है। काफ़ी अंदर यानी कि सूर्य से काफ़ी नज़दीक में है, जिस वजह से ड्वार्फ प्लैनेट के टकराने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम है। और दूसरी बात तो ये कि इन चार प्लैनेट की जो चांद है वो बहुत कम है, जैसे कि बुध का कोई चांद ही नहीं है, शुक्र का भी कोई भी नहीं है, हमारा जो पृथ्वी है इसका एक चांद है जो कि मून है और मार्स का भी दो चांद है। यहाँ पर चांद ही बहुत कम है और बहुत कम चांद होने के कारण बहुत कम चांसेस है कि ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से टकरा सके, क्योंकि एक दूसरे से टकराएगा तभी तो पार्टिकल जनरेट होगा और वही पार्टिकल उस प्लैनेट के चारों तरफ घूमेगा जो कि रिंग्स का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ पर चांद ही कम है तो टकराने के चांसेस तो बहुत कम है। इस वजह से ये जो चार प्लैनेट है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मार्स पर जो है कोई भी रिंग्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। हालांकि ये थोड़ा सा अनकन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन लग रहा है, पर फिलहाल इस पर कोई भी डिस्कवर नहीं हुआ है। अगर आगे होता है तो शायद हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली में जो ये रिंग्स है वो बना कैसे। तो आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ को हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।